नमस्कार देवियों, तो चलो आप सभी का बहुत ही बड़ा स्वागत है। मेरा नाम है ऑरो एंड आई विल बी द होस्ट एंड योर दोस्त फॉर दिस टूर्नामेंट ई-स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज फ्री फायर सिटी ओपन। धमाका तो पूरे मैप में ही होगा, तो सीधा सीधा चलते हैं। नमस्कार देवियों, सज्जनों आप सभी का बहुत ही बड़ा स्वागत है इन मेरे व्लॉग में। ओके, दैट वाज अ फन स्टार्ट। कोई भी कास्टर को देख लो, उनका एक सिग्नेचर मूव, क्या कह सकते हैं, सिग्नेचर कुछ चार शब्द होते हैं जिससे वो वेलकम करना पसंद करते हैं। एंड आज आपको थोड़ा दिखाएंगे बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के बैकएंड में जब हम कास्टर्स तैयारी करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, और जब स्क्रीन के सामने होते हैं आप लोगों को जो दिखता ना वैसा नमस्कार देवियों सज्जनों वाला रूप, रंग रूप मैं दिखाऊंगा। रिसेंट दो महीनों में बहुत कुछ क्रेजी थिंग्स हुआ है। दो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स मिले हैं मेरे को पिछले महीने, FFCO फ्री फायर सिटी ओपन कास्ट किया मैंने, एंड इस महीने भी नहीं बोलूंगा, आज के दिन बैटलग्राउंड मोबाइल इनटू लोगो आफ्टर पार्टी चल रहा है। सेकेंड डे है आज मेरा। जिन लोगों को भी नहीं पता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक ई-स्पोर्ट्स कास्टर हूँ। मैं सारे गेम्स कास्ट करता हूँ, बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया बोलो, फ्री फायर बोलो, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल बोलो, एंड मैंने ब्रॉल स्टार्स भी किया है, फीफा भी किया है। तो ये सारे कुछ गेम्स है जिसमें मेरे एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अगर आप भी एक एस्पायरिंग कास्टर बनना चाहते हो, ई-स्पोर्ट्स में आगे आना चाहते हो, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर सकता हूँ, आपको मैं बता सकता हूँ कि क्या करना चाहिए आप लोगों को ताकि आप आगे आके यू नो अपना बेस्ट पुटअप कर सको। कुछ ही देर में हम लाइव जाने वाले हैं एंड मैंने आपको FFCO के टाइम पे दिखाया था कि सेटअप क्या है, यूज करता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप, क्योंकि गिल्ड हाउस है, एक रिंग लाइट, सेकंड रिंग लाइट, DSLR। इस बार फिर से मॉडल चेंज हो चुका है, आई थिंक सोनी A6400 या 500 में से कुछ होगा, S500 है। एंड ये माइक है, बट ये माइक मैं यूज़ नहीं करता, आई एम यूजिंग द शोर माइक। मज़ा आया करने में, आपको बिट्स एंड पीसेस में बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। बैकएंड में फिलहाल के लिए वी नीड टू जॉइन डिस्कॉर्ड, उसके बाद वीमिक्स कॉल ज्वाइन करना पड़ता है। सो जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते उन लोगों को मैं बता देता हूँ वीमिक्स क्या है। बेसिकली मान लो डिस्कॉर्ड के थ्रू आपका आउटपुट, जैसे नो स्ट्रीम पे जो प्रोड्यूसर होते हैं पुल करते हैं, वीमिक्स के थ्रू वही चीज़ होता है सिंपलर फॉर्म में। मेरा आवाज, मेरा जो कैमरा, जो पिक्चर आ रहा है, वो दोनों चीज पुल करके स्ट्रीम पे पुट करना प्रोड्यूसर काम होता है। तो उस पर जाके हम बैठेंगे, एक ब्रीफ हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी कि क्या क्या करना है आज। एंड ऑब्वियसली आज स्टार स्ट्रीम्स है, तो आज आपको बिंग्स आई थिंक साथ साथ आपको और भी सारे प्लेयर्स खेलेंगे, हस्तर दिखेंगे आपको, बहुत अच्छा कल उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया था, सारे के सारे आज स्ट्रीमर्स खेल रहे हैं। आज के स्टार प्लेयर विली भाई रहे, बिना वार में क्या ही शानदार परफॉर्मेंस दिया, चिकन डिनर निकाल लिया और क्या ही चाहिए। वैसे 3 मिनट बाकी है, फटाफट चलते हैं वरना हमारे प्रोड्यूसर साथ थोड़े गुस्सा हो जाएंगे। आई थिंक आजकल सैंडहॉक में बड़े ग्लिचेस देखने को मिल रहे हैं, कल भी मैच हमें रिस्टार्ट करना पड़ा था, आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैच चालू हुआ, जोन ग्लिच हो गया, एक्चुअली इतना बड़ा जोन बन गया था कि पूरा सैंडहॉक का मैप के साथ साथ रैंगल भी थोड़ा कवर अप कर लिया। अनफॉर्चुनेटली अभी मैच को फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, अब देख सकते हो। बी राइट बैक, एक ब्रेक पे हम लोग। आखिरी मैच कल भी यही सीन हुआ था, आज भी यही है, हर्डल्स कभी कभार आ जाते हैं। आज मैं कास्ट नहीं करने वाला था, स्पीरो और माया भी कास्ट करने वाले थे, जो हमारा Tier 1 स्क्रिंस है आफ्टर पार्टी का, बट अनफॉर्चुनेटली मायावी का हेल्थ सही नहीं है, सो उस वजह से आई हैड टू स्टेप इन। काफ़ी मजा आने वाला है, एज एक्सपेक्टेड स्पीरो और मैं करेंगे। बस एक दो मैचेस बाकी है, मीना वाला भी चल रहा है, सैनॉक का पता नहीं, क्योंकि सैनॉक 2 दिन से ग्लिचेस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिले, सो आई होप एक सैनॉक का अच्छा मैच देखने को मिले या फिर रैंगल होगा, दैट डिपेंड। सबसे ज़्यादा फनी पार्ट यह है कि आज मैं, जैसे कि मेरा आज दिन नहीं था, तो मैं ब्लेजर या फिर मैं वो बोटा या फिर कोई टाई वाई नहीं लेके आया था, तो कॉन्टेंट मैन ने मुझे हेल्प किया, जे वॉकिंग का एक जैकेट दिया मेरे को, किस गली के तबलक की वजह से मेरे को ये जैकेट मिल गया। यूजुअली थोड़ा फॉर्मल्स पहनना पड़ता है, बट एक फॉर्मल टाइप का एक ब्लैक जैकेट तो मेरे पास है, इट इज व्हाट इट इज, वही बात है। दो मैच करने का मौका मिलेगा, Tier 1 में भी तोड़ते हैं, लेट्स गो। जैसे हम कहते हैं हर्डल्स आ जाते हैं कभी कभार, हर्डल्स आए उसको पार करके निकल जाएंगे आराम से। यार क्या ऐसे ही तो चलता है, हर्डल्स के बिना लाइफ नहीं होता, हर्डल्स को पार करने के लिए आपके अंदर बस जुगाड़ होना चाहिए। किस गदली की तबलत है, एग्जैक्टली आप इम्पॉसिबल सिचुएशंस की बात कर रहे थे ना, चाइल्ड ने वही कुछ किया है। आई थिंक अभी भी देखिए कितना ज्यादा बोल्ड मूव दिखा रही है कि उनको पता है नंबर एडवांटेज हमारे पास है, एक प्लेयर को टेकन कर दिया, ट्रिगर अकेले खिलाड़ी बचे हुए, आई थिंक अभी हार्ड में कोई रोक सकता है, एक अमेजिंग अमेजिंग चिकन डिनर लेकर जाते हुए। स्टार स्ट्रीम्स की आफ्टर पार्टी तो खत्म हो चुका है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ऑल एंड ऑल, एक ऑफिशियल इवेंट मिल गया आफ्टर पार्टी कास्ट के मायावी के साथ आज कास्ट के लिए। कल के दिन में अगर आपने देखा होगा तो कल मैंने स्पीरो के साथ कास्ट किया था, तो बहुत ही अमेजिंग नो परफॉर्मेंसेस था हर एक टीम की तरफ से। सो यस, दिस सम्स अप द डे, तो मिलते हैं विद सम अदर डे, सम अदर कास्टिंग इवेंट।